अगला प्रश्न पूछने के लिए जमशेदपुर से सलीम अख्तर साहब मौजूद हैं। इनको लोन की रिक्वायरमेंट है और ये कहते हैं वो लोन को यूज़ करेंगे इनफैक्ट एक व्हीकल के लिए जिसको ये फिर एज अ टैक्सी यूज़ करना चाहते हैं। आपका स्वागत है सलीम साहब, बताइए ये जो आपकी योजना है आपने इसके लिए अभी क्या किसी बैंक से संपर्क किया? मैंने काफ़ी बैंक से संपर्क किया बट वो लोन देने में सक्षम नहीं है। लोन देने में क्या आपने कहा? वो लोन देने में सक्षम नहीं है, वो उनकी डॉक्यूमेंट्री इतनी स्ट्रांग होती है कि डॉक्यूमेंट्री से मेरा स्ट्रांग नहीं है। मतलब वो सक्षम तो है लेकिन मतलब उनकी फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हैं, वो पेपर वर्क आप जी राइट है, उनकी डॉक्यूमेंट्री बहुत स्ट्रांग होती है। एक्चुअली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से डिप्लोमा हूँ। मैं जॉब कर रहा था लास्ट टाइम सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, सैलरी मेरी बहुत ज्यादा नहीं, एज ए फ्रेजर इंजीनियर मैं काम कर रहा था वहाँ पे, फिर मैं छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि अपना ओन बिजनेस डालूं। राइट, तो आपने इससे पहले क्या कोई इस लाइन का एक्सपीरियंस है या मतलब पहली बार ही सोच रहे हैं इस तरफ आने का? नहीं, एक्चुअली मैं पहले भी बिजनेस कर रहा था। ओके, ठीक है। फिर मुझे बीच में बिजनेस मेरा डाउनफॉल हुआ तो मैं मैट्रिक के बाद एक डिप्लोमा करके कंपनी ज्वाइन किया, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। आपने आईटीआर फाइल्स किए हैं? नहीं, आईटीआर फाइल नहीं, क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम थी वहाँ पे, मैंने बस कहा दिलवाते हैं इसको लेकर। आपका अकाउंट कहाँ पर है, किस बैंक में है? सॉरी, आपका अकाउंट कहाँ पर है, किस बैंक में खाता है? आईडीबीआई में। ओके, कितने साल से है ये? तकरीबन 4 साल हो गया, 2008 से। इससे पहले क्या कोई लोन लिया किसी प्रकार का कभी, कोई भी? नहीं, कोई लोन नहीं लिया। ओके, बलवंत साहब आप इनको कैसे बताएंगे ये जो लेना चाह रहे हैं उस व्हीकल के लिए टैक्सी में यूज करना चाहेंगे, मतलब कमर्शियल व्हीकल के फॉर्मेट में, मतलब उसको ये यूज करना चाहेंगे, आप इनको कैसे समझाएंगे ये नॉर्मल व्हीकल्स में जो ऑफर्स रहती हैं उनकी तुलना में जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे और ये भी आगे जब बढ़ना चाहेंगे, इसमें लेंडर क्या कुछ देखेगा, इसकी किस तरह से फाइनेंसिंग पूरी वर्क करती है? देखिए सौरभ जी, गाड़ी के लिए जो जैसे टैक्सी ये रन करना चाहते हैं उनको लोन लेना है तो ये ओरिएंटल बैंक का एक स्कीम है, तो इसके तहत जो ओरिएंटल बैंक वो जो उसकी ऑन रोड कॉस्ट है जिसमें रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस भी शामिल होता है उसका 85% तक लोन दे देती है। परंतु मेरे को उनकी बात से लग रहा है कि इनको डिप्लोमा किया हुआ और भी कोई लोन मिल सकता है तो वो लेने को तैयार है। तो बस जैसे मैं कई बार अपने शो में बता चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है उसके तहत 5 लाख तक का लोन मिलता है, तो ये कोई भी जो गवर्नमेंट से PSU की बैंक है वहाँ उनको अगर अप्रोच करे तो उनको कह सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में जो लोन मिलता है मुझे वो लोन मिल चाहिए, तो उसमें 15% से लेकर 25% तक की सब्सिडी भी है, तो वो अप्रोच कर सकते हैं। और अगर जैसे अगर उनको कार की जैसे टैक्सी के लिए लोन चाहिए तो ये ओरिएंटल बैंक में जाके उनको पूछ सकते हैं कि आपकी जो स्पेशल टैक्सी के लिए जो स्कीम है उसके लिए इनके पास उनका जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और इसके अलावा जैसे बैंक कोई भी बैंक लैंड करती है पैसा तो जो बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स है उनका एड्रेस प्रूफ वगैरह है, इनकी खुद की आइडेंटिटी का प्रूफ वगैरह वो सब उनको देना पड़ेगा। जी, जनरली जैसे हम देखते हैं नॉर्मल अगर जिस तरह से जो कार के लिए जैसे फाइनेंस होते हैं उसमें कुछ बैंक लेंडर 7 साल तक के ऑप्शंस भी देखते हैं फाइनेंसिंग के, इसमें ये किस तरह से मतलब वर्क करेगा और इसमें क्या मार्जिन की भी जैसे जो रिक्वायरमेंट वो क्या ज़्यादा रहेगी? अब जैसे जो कार लोन जो टैक्सी के लिए जो लोन है वो 5 से 10 लाख तक का मिलता है, परंतु इनको जो जितना लोन ले रहे हैं उसकी 50% तक की जो वैल्यू का या तो कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी या कोई लिक्विड असेट वगैरह वो कोलेटरल रखना पड़ेगा। और ये जो ओरिएंटल बैंक की जो स्कीम है उसमें जो लोन है वो 5 साल तक का है और शुरू के 3 महीने का मॉरेटोरियम है जिसमें उनको सिर्फ इंटरेस्ट ही सर्विस करना है, जो लोन रीपेमेंट की EMI है वो शुरू नहीं होगी, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5% के आसपास है ये जो ओरिएंटल बैंक की स्कीम है उसमें। जी, तो इस तरह से आप इसका भर सकते हैं, बाकी डिटेल स्क्रीन पर है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।